अगर तू अपना ख्याल खुद रख लेता। नहीं मैं एक्चुअली मैं वो उसको क्या मैं कब बंद करेगा अपनी खुशियों के साथ खिलवाड़ करना, बता मुझे। मैंने क्या किया रीता, मुझे बताइए। मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने पहले कुछ किया था, ना मैं अब कुछ कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? इसलिए पहले जो भी कुछ हुआ ना, उसे मैं वापस नहीं होने देना चाहती। ये बात तेरी समझ में नहीं आ रही है? हाँ, क्यों नहीं आ रही है? और प्राची वापस आ गई है, उसका मतलब ये तो नहीं कि वो तेरी जिंदगी में भी वापस आ गई है। क्यों अपना मन उसके पीछे भटका रहा है? और यही कारण है कि रिया हमेशा के लिए इस घर में वापस नहीं आना चाहती है। और पुत्र, अगर सही समय और सही वक्त पे हमने फैसला नहीं किया ना, तो वक्त हाथ से निकल जाता है और तू इसी दुविधा और उलझन में रहा ना, तू भी खाली हाथ रह जाएगा। कुछ नहीं आएगा तेरे हाथ में, ना रिया, ना रिया, ना प्राची, ना प्राची। अगर सही समय और सही वक्त पे हमने फैसला नहीं किया ना, तो वक्त हाथ से निकल जाता है और तू इसी दुविधा और उलझन में रहा ना, तू भी खाली हाथ रह जाएगा, ना रिया, ना प्राची। क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं? क्या चाहते हैं आप, मैं क्या करूं? नहीं, मुझे बता दीजिए, या तो आप बता दो कि मैं क्या करूं, या तो आप मेरे लिए कुछ कर दो, पर कुछ तो करो प्लीज। क्या करूं मैं? हे हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्राची यहाँ पर आई है? नो सर, प्राची मैम तो नहीं आई, पर बड़े सर डैड या वो आपके केबिन में आपका वेट कर रहे हैं। ओके थैंक्स सर। व्हाट, स्माइल क्यों कर रही हो? ट्राई भी मत करना। लिसन, आई एम ऑलरेडी टेकन, ओके? मैं किसी का हो चुका हूं। उसी के लिए विश करना था। कांग्रेचुलेशंस, ऑफिस में सबको पता है कि कल रात पार्टी में क्या हुआ है। एक सेकंड, किसने बताया? प्राची ने? नो सर, अशोक सर ने पूरे स्टाफ के लिए स्वीट्स मंगाई हैं, क्योंकि कल रात आपने प्राची मैडम को प्रपोज किया है। डैड, कैसे भूल सकता हूँ मैं, मेरी लाइफ का इतना बड़ा सीक्रेट, सीक्रेट नहीं रहने देंगे वो। एनीवेज, थैंक्स फॉर द विशेस, आई विल सी यू। काश प्राची मैम की जगह मैं होती और सर ने मुझे प्रपोज किया होता। ओ गॉड, ही इज सो हॉट। क्यों बार बार प्राची के बारे में सोच रहा हूँ? क्यों मेरे दिमाग में बार बार प्राची 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 चले जा रही है? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? वो आगे बढ़ चुकी है अपनी जिंदगी में, सब आगे बढ़ चुके हैं अपनी जिंदगी में, रिया तक बढ़ गई आगे जिंदगी में अपनी, कितना बदल गई, लेकिन मैं क्यों अटका हुआ हूँ एक जगह पे? क्यों? जब प्राची मेरी जिंदगी में नहीं थी तो मुझे उससे नफरत हो गई थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था उसके ऊपर, लेकिन अब जब वो मेरी जिंदगी में वापस लौट के आ गई है तो मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूं? और मुझे अच्छे से पता है वो जिंदगी में आगे बढ़ गई है, वो शी हैज मूव्ड ऑन, तो मैं क्यों अटका हुआ हूं? उसको गुस्सा नहीं आया एक बार भी जब अक्षय ने उसको प्रपोज किया? हाँ, वो थोड़ा सरप्राइज थी क्योंकि अक्षय ने बताया नहीं उसको, लेकिन शी वॉज ओके विद इट। मैंने जब उससे पूछा भी कि ऐसा सब कुछ हुआ, तो उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। तो ठीक है, वो भी बढ़ गई जिंदगी में आगे, और मैं क्यों अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूं? क्यों? नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकता, ये नहीं कर सकता मैं बिल्कुल नहीं कर सकता ऐसे। मुझे 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 ब्रेक चाहिए, मैं ऐसे काम ही नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम जिंदा हो तो तुम पिछले 6 साल से मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? रिया हमारे घर की बहू बनने जा रही है। प्राची,
ये तुम क्या कर रही हो? अपना सामान पैक कर रही हूँ। मीरा है ये। और तुम मेरी हो, बेटी हो तुम मेरी। सर प्लीज, आप ये सब मत कीजिए। अब करूंगा, बिल्कुल करूंगा, हक है मेरा। और मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा जिससे तू हर्ट हो, ठीक है ना? अगर अक्षय ने तुझसे कुछ कहा जो तुझे अच्छा नहीं लगा तो उसे डांट, उसे लड़ाई कर, पर मुझे छोड़कर मत जा। आपको छोड़ के नहीं जा रही हूं, कंपनी छोड़ के जा रही हूं। मेरी कंपनी मतलब मैं ही। प्राची एक मिनट। प्राची मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, पर मैं करना चाहता हूं। बट और प्राची, पर्सनल बातों के लिए ये जगह ठीक नहीं है, और ये बात तुम भी जानती हो। इसलिए प्लीज प्राची, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, एक बार मुझे अपने घर आने दो, अपनी बात कहने दो। उसके बाद तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। तुम्हें मुझसे नहीं मिलना, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी, व्हाटएवर, लेकिन प्राची सिर्फ एक बार मुझे अपने घर आने दो, अपनी बात कहने का मौका दे दो, सिर्फ एक बार प्लीज। ठीक है, पर प्लीज मेरा पीछा मत करना, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत अजीब लग रहा है। क्या देखा आपने, प्राची मुझसे बात नहीं कर रही। हाँ तो ठीक है ना, उसे थोड़ा टाइम दे। देख अक्षय, हमें नहीं पता कि प्राची पास्ट में किन हालातों से गुजरी है, और हो सकता है जानबूझकर ना सही हमने अनजाने में उसका दिल दुखाया हो, उसे हर्ट किया हो। देखो उत्तर, तू जितना मेरा अपना है उतनी ही वो भी मेरी अपनी है। बच्ची है वो, तू मेरा बेटा है तो वो भी मेरी बेटी जैसी ही है। तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं मेरी बात समझ, उसे थोड़ा वक्त दे, गिव हर सम स्पेस। क्या हुआ, क्या सोच रहे तुम? डैड, बात अगर उसके पास की है ना, तो अब तो मुझे जानना है, मुझे जानना है कि उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ है। उसकी बहन है ना रिया, उसे सब पता होगा, मुझे उससे पूछना होगा। डैड, प्राची ने आज तक अपने पास्ट के बारे में हमें नहीं बताया, बट आई एम श्योर रिया सब कुछ जानती हो, अपना दुख, अपना दर्द, अपने जख्म, सब कुछ। और मैं सब कुछ जानना चाहता हूं डैड, उसके पास में क्या हुआ है, सब कुछ। 5 साल डैड, 5 साल हो गए, लेकिन प्राची ने आज तक अपने पास के बारे में नहीं बताया, लेकिन उसका पास आज तक उसे हर्ट करता है डैड, एंड आई कैन सी दैट। और मैं उसका पास इसलिए नहीं जानना चाहता क्योंकि मैं उसे जज करना चाहता हूं कि जिंदगी में उसने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या सही किया, क्या गलत। नहीं डैड, मैं उसके जख्मों को और कुरेदना नहीं चाहता, बल्कि उसके सारे जख्मों को भरना चाहता, बिकॉज आई लव, आई रियली लव डैड। मैं नहीं चाहता कि जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हो जिससे वो और ज्यादा हर्ट हो सके। अब कल की बात देख लीजिए, कल रात को मैंने अनजाने में उसे हर्ट कर दिया, सबके सामने प्रपोज करके। डैड, मैं प्राची की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां भरना चाहता हूं, और कुछ नहीं। इसलिए डैड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज प्लीज मुझे रिया से पूछने दीजिए कि प्राची के पास्ट में हुआ क्या। डैड, मेरे लिए नहीं तो प्राची के लिए। I'm proud of you. ठीक है, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर। अभी सर लिफ्ट एक पुरानी सेफ्टी केबल पे है। सर पता नहीं आप दोनों कैसे इस लिफ्ट पे आ गए एक साथ, वो भी एक ही टाइम पे। अरे, somebody stop the lift! प्राची, प्राची, प्राची! अक्षय, हम यहाँ लिफ्ट में फंसे हैं, मैं और रणवीर। अक्षय! Oh my God, लिफ्ट नीचे जा रही है, मुझे मुझे प्राची को फोन करना पड़ेगा। रिया का फोन? हेलो, हाय अक्षय, इट्स रिया। सॉरी तुमने पहले फोन किया था, मैं उठा नहीं पाई, किसी काम में बिजी थी। नंबर मैंने तुम्हारा ऐप में चेक किया,
तो पता चला कि तुम्हारा फोन है। अक्षय टंडन राइट? यार इट्स मी अक्षय। मुझे पता है तुमने मुझे मेरी बहन प्राची के लिए फोन किया है। उसके बारे में जानने के लिए। देखो अगर वो नाराज है ना तो उसे मना लो। रिया लिसन टू मी, एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई। प्राची जो है वो लिफ्ट में फंस गई रणबीर के साथ। एंड द स्केरी पार्ट इज कि लिफ्ट जो है वो सिर्फ एक ही केबल पे टिकी हुई है। इनफैक्ट केबल का काम चल रहा था बट अनफॉर्चुनेटली दोनों एक साथ लिफ्ट में चले गए और किसी ने भी नोटिस नहीं किया। What? Yes, I'm right. And मैं प्राची को फोन मिला रहा था और तुम्हारा फोन आ गया तो। अच्छा देखो तुम एक काम करो, तुम प्राची को ट्राई करो, मैं रणबीर को ट्राई करती हूँ। ओके राइट I'll get back. हेलो अक्षय। हेलो रिया। हेलो रिया। लिफ्ट का लिफ्ट खराब हो गई, अटक गई और प्राची बीच में फंस गई है। प्राची लिफ्ट में फंस गई है। अरे और जल्दी से खोलो, मैकेनिक को बुलाया। मैंने मैकेनिक को बुलाया है, वो इधर ही गई था पता नहीं वो रात। अरे सुनो रुको। अरे भाई ये लिफ्ट कैसे अटक गई, कितना टाइम लगेगा इसे ठीक होने में? जल्दी से खोलो, मेरी बच्ची अटकी हुई है उसमें। जी सर मैं वही कोशिश कर रहा था, एक जरूरी टूल लाने के लिए मैं स्टोर रूम की तरफ जा रहा था। हमें नहीं पता था कोई इस तरह से लिफ्ट में चला जाएगा। जस्ट शट अप। कंस्ट्रक्शन साइट पे लिफ्ट लगी है, चलते फिरते ऑफिस में लिफ्ट लगी है। पता है कि लोग अंदर आ सकते हैं बाहर जा सकते हैं, लेकिन नहीं, इतना सा भी दिमाग नहीं है तुम लोगों में कि एक बोर्ड लगा दो कि लिफ्ट में काम चल रहा है, एटलीस्ट लोगों को पता तो चले। लिसन टू मी वेरी केयरफुल, अगर किसी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? अरे अक्षय अभी इसको जाने दो, लिफ्ट रिपेयर करनी है, प्राची को बाहर निकालना है, जल्दी जाने दो इसको। अरे तो शक्ल क्या देख रहे हो, जस्ट गो मैन। बट लिसन टू मी, प्राची को खरोच नहीं आनी चाहिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं प्राची किस हाल में होगी, उसके साथ क्या। अरे तुम खड़े क्यों, जाओ ना। जी प्राची हटो। प्राची कैन यू हियर मी, खोलो इसको। प्राची तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अच्छी तक तो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं क्या करूं? हे भगवान प्लीज इस मेरी प्राची को कुछ मत होने देना, सब मेरी गलती, उसे अकेला जाने ही नहीं देना चाहिए था। मुझसे ना बात करती, मुझसे लड़ लेती, मुझसे झगड़ लेती, लेकिन इस तरह आप जान को खतरे में नहीं डालती। और अगर लिफ्ट में बंद होना ही था तो प्राची मैं क्यों नहीं कुछ समझती यार, मैं फोन करता हूं। प्राची फोन भी नहीं मिल रहा। प्राची अगर तू देख सकती ना अक्षय की यह हालत तो तुझे आज पता चलता कि मेरा बेटा कितना प्यार करता है। अपनी जान की परवाह नहीं इसको तेरे लिए। प्राची तुझे प्यार करने वाले बहुत होंगे पर ऐसे तुझे खुद से भी पहले रखने वाला मेरा बेटा ये हो सकता है। बहुत लापरवाह था ये, किसी चीज की कोई फर्क नहीं पड़ता था इससे, लेकिन आज उसे फर्क पड़ रहा है। तेरे लिए खुद को भूल गया अक्षय। काश तू भी ये अक्षय देख सकती जो मैं अभी देख रहा हूं, फिर तुझे भी प्यार हो जाएगा इसे। प्राची अक्षय तुम्हें क्या चाहिए रिया? और क्या और क्या रिया? हाँ सही बात है, अब रिया अच्छी है, वो भी तारीफ के बहुत लायक है, तो उसकी तारीफ क्यों ना की जाए। बहुत अच्छी लड़की है रिया, बहुत ख्याल रखती है, बहुत ही अच्छे से पेश आती है, उसे कोई भी मिलेगा तो उसको पसंद ही करेगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि वो चिक चिक नहीं करती। हाँ क्यों नहीं? क्यों नहीं मतलब? क्यों नहीं मतलब पता है मुझे रिया ऐसी है वैसी, मुझे पता है वो कैसी कैसी है? जैसी भी बहुत अच्छी, तुम्हारे लिए अच्छी है तुम भी जानते हो, तुम्हीं ने उसको चुना है। और चिक चिक नहीं करती क्योंकि चिक चिक ही नहीं। चिकी। Oh,
सॉरी एक्सक्यूज मी जरा साइड हटिए। वो लिफ्ट खराब थी, यहाँ पर रणबीर प्राची दोनों लिफ्ट के अंदर थे, वो बाहर आए कि नहीं? देखिए मैं प्राची की बहन हूँ, प्लीज जस्ट टेल मी दैट दे आर सेफ। सॉरी मैम, वो लोग अभी तक लिफ्ट में स्टक हैं। व्हाट? या एक्चुअली मैम सब लोग वहीं पर हैं। कहाँ है सब? मैम उस तरफ वहाँ। हाँ थैंक यू। अक्षय सर, मैंने जो आपको बताया वो रिस्क। अक्षय, रणबीर प्राची, रिया तुम? लिफ्ट ठीक हुई कि नहीं? एक्चुअली वो लोग इसी लिफ्ट में फंसे हुए हैं और मैं इस मैकेनिक से वही बात कर रहा हूँ। इसके पास कोई और आइडिया है, कोई तरकीब है, वो तुम बोलो ना। सर मैंने जो आपको बताया वो रिस्की जरूर है, लेकिन हमारे पास यही एक तरीका है। रिस्की मतलब कितना रिस्क? सर अगर टेक्निकल भाषा में मैं आपको समझाने जाऊँ तो आप नहीं समझ सकेंगे। सीधे सीधे कहूँ तो ये है कि मैं लिफ्ट को कहीं बीच में रोक सकता हूँ, लेकिन अगर ये लिफ्ट नहीं रुकी तो लिफ्ट सीधा नीचे गिर जाएगी और डबल स्पीड से ऊपर जाएगी। व्हाट? और उन दोनों का क्या? ऐसे नीचे ऊपर में उनको झटके लगेंगे अगर वो खुद को नहीं संभाल पाए तो? यही तो रिस्क है सर, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। नहीं ये नहीं, कोई और ऑप्शन दो, कोई और ऑप्शन। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। सर हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। लुक, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क होगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, तुम्हारे पूरे परिवार को मैं स्पॉन्सर करूंगा, हर चीज का खर्चा मैं उठाऊंगा, लेकिन एक बात समझ लो, मेरी प्राची को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे मेरी प्राची सही सलामत बाहर चाहिए। इसके लिए तुम्हें जो करना है तुम करो। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, यू हैव टू डू इट, समझे तुम? यू हैव टू डू इट, नाउ गो क्विक। मैं हूँ यहीं, मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ। ओके मैं यहीं हूँ। साधु सासों के हो तो किसी एक मोड़ पर मिली थी तू जिंदगी मेरी दोस्त बन के चल दिया तेरी बात मान कर तेरा हाथ थाम कर तुझे साथ ही चुन के साथों साथों मैं किस मंजिल का राही हूँ तू किन राहों पे लाए है समझ पाऊँ ना मैं तुझको ना तू मुझको। जिंदगी कितनी अजीब है ना। जो हम नहीं चाहते सोचते भी नहीं है वो हो जाता है, और जो हम चाहते हैं वो कभी नहीं होता। तुम्हें पता है मैं नहीं चाहती तुमसे मिलना, तुम्हें देखना भी नहीं चाहती थी। सोच लिया था मैंने पर अब देखो तुम मेरे सामने हो, तुमसे बात कर रही हूं, तुम्ही को देख रही हूं, और शायद तुम्हें देखते देखते जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। सही कह रही हो तुम, जिंदगी बहुत अजीब है। मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हें देखना भी चाहता था। मंजूर है तुझको समझ पाऊं ना मैं तुझको ना तू मुझको। क्यों? मुझे झगड़ना था तुमसे, लड़ना था तुमसे, शिकायत करनी थी, सवाल करने थे, बहुत सी बातें करनी थी, सारी बातें अधूरी रह गई। तो फिर करो जो बातें करनी है, शिकायत करनी है, डांटना है, सुनाना है, अभी करो, क्योंकि शायद उसके बाद
टाइम नहीं मिलेगा, नहीं कर पाओगे। बोलो। जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ कभी इतना वक्त मिला ही नहीं कि मैं। परेशान क्यों लग रहे हो, सब ठीक तो है पल्लवी? कुछ ठीक नहीं है रणबीर। क्या हुआ रणबीर को? रणबीर उसके ऑफिस की लिफ्ट अटक गई है और रणबीर उसके अंदर फंस गया। What? क्या? हाँ बेटा, रिया है उसके पास, लेकिन कब से हम ट्राई कर रहे हैं उन दोनों को फोन लगाने की, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा है। मैं ट्राई करता हूँ ना। नहीं नहीं, रणबीर का कॉल नहीं लग रहा। वो रिया को ट्राई करो। हाँ। हेलो विक्रम अंकल। हेलो रिया बेटा, तुम कहाँ हो इस वक्त और रणबीर कहाँ है, ठीक है? जी रणबीर बिल्कुल ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए। ये लीजिए, आप रणबीर से बात कीजिए। हाँ बात कराओ, बात कराओ। हाय डैड। हेलो रणबीर, रणबीर बेटा तू। रणबीर, रणबीर बेटा तू ठीक है ना? तू सच में ठीक है ना? तू हम कब से फोन ट्राई कर रहे हैं बेटा तेरा, तू सच में ठीक है ना? हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम तंदुरुस्त हूँ। इनफैक्ट मैं घर भी आ रहा हूँ, तो आप ज़रा स्ट्रेस मत लीजिए प्लीज। जल्दी आ जा रणबीर, हम सब वेट कर रहे हैं तेरा। ओके सी यू। शुक्र है माता रानी तेरा, रब्बा तेरा लाख लाख शुक्र। पल्लवी, पल्लवी इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। मैंने रिया को जिम्मेदारी दी थी कि वो रणबीर को सही सलामत घर लेकर आए, और वो रणबीर को सही सलामत घर ले आ रही है। दिस कॉल इज अ रियल ब्लेसिंग फॉर अस विक्रम। वो मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की सच में हमारे घर के लिए बहुत शुक्र है। जब भी रिया यहाँ होती है और हमारे घर पे कोई मुसीबत आती है, तो रिया कुछ ना कुछ करके उस मुसीबत को दूर भगा देती है। सच में हमारे घर के लिए बहुत कुछ करती है। और हम साथ रहे पर बहुत अच्छे दोस्त बनकर, सबसे अच्छे दोस्त बनकर, इज इट पॉसिबल? यू नो व्हाट प्राची, कभी कभी ना हम कुछ चाहते और उसे हासिल करने के लिए ना वो भी खो देते हैं जो हमारे पास होता है, और मैं ऐसा नहीं चाहता। प्राची तुम मेरी बहुत खास दोस्त हो, बहुत स्पेशल फ्रेंड, और कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, कभी नहीं, क्योंकि मेरी इकलौती फ्रेंड हो। पर अब देखो ना, तुम यहां भी बिल्कुल सही हो। फॉर नाउ आई थिंक वी कैन जस्ट बी फ्रेंड्स। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। इट्स रियली ओके, इट्स फाइन, रणबीर ठीक है अभी। देखो मैंने रणबीर की जिम्मेदारी दी थी ना तुम्हें, और तुमने वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है, सो ही इज ऑलराइट नाउ। बस कर दो रिया, ये लापरवाह है तो क्या हुआ? तू तो है ना इसके साथ, संभालना इसे जैसे सदा संभालती। रो मत पुत्र, रो मत। मैंने तो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा था, लेकिन अब क्या करूं, रोना ही नहीं रुकता। जब भी उस लिफ्ट के बारे में सोचती मेरी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। मैं रिया, मैं तुम्हारे सामने हूं ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो रोने की क्या बात है? देखो तुम ऐसे रोगी तो मुझे रोना आ जाएगा। तुम चाहती हो मैं रो? नहीं, नहीं ऐसे नहीं रोते। ओके सुनो, तुम ऐसे रोगी तो मुझे अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे। हाँ क्योंकि तुम्हारे आंसुओं से गीली हो जाएगी ना शर्ट।
प्लीज स्टॉप क्राइंग अब, बस प्लीज डोंट क्राई, गुड गर्ल। देखो गीली होगी ना शर्ट मेरी, हमें चेंज करना पड़ेगा। तुझे तेरी शर्ट भीगने की पड़ी है, रिया की नहीं पड़ी है? अरे मुझे दोनों की पड़ी है। मैं आता हूँ ठीक है। देखो क्या कर दिया, अब रोना मत ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। कुछ हुआ है तुम्हारे पैर में? मेरे पैर में कुछ नहीं हुआ है। मैं वीर, मैंने अभी अभी देखा तुम लिंप कर रहे थे। तुम अभी क्या, अभी चलो डॉक्टर के पास। नहीं डॉक्टर की जरूरत नहीं है जाने की, बहुत छोटा सा अपना सोऊंगा ठीक हो जाऊंगा। जरूरत है, नीड है। तुम्हारी जिम्मेदारी मैंने ली और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाकर रहूंगी, तो तुम्हें चलना पड़ेगा। तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो? वो कह रही है ना तुम मार लेना उसकी बात, जब जाकर दिखा दे डॉक्टर। क्या मम्मी जी? ए, जो मैं कब से देख रही हूँ, एक ना अलग सा रिश्ता है रिया का रणबीर के साथ। हालांकि इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, लेकिन दोनों दिल से जुड़ गए हैं। देखा नहीं आप लोगों ने कैसे रिया रणबीर का ख्याल रखती है, उसकी चिंता करती है। हाँ बड़ी मम्मी ये तो है। और मैं तो कहती हूँ कि रिया और रणबीर एक हो जाए ना अगर, तो रणबीर की जिंदगी सवर जाएगी और रणबीर का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और हमारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। आप शायद सही कह रही है, मतलब मुझे भी ऐसे लगने लगाया जैसे ये जो बाहर आपने अनाउंसमेंट की, शायद आपने ठीक किया। देखा मेरी पसंद है ना नंबर वन। मतलब? इसका मतलब ये है कि पल्लवी को मैंने तेरे लिए पसंद किया था। मेरी पल्लवी दिल की बहुत सच्ची है, गुस्सा होती है ना तो सबके सामने होती है, और अगर गलती भी करती है ना तो सबके सामने मान लेती है। मेरी पल्लवी दिल की बहुत प्यारी और सच्ची है। मम्मी जी आप मुझे बता रही है, मुझसे बेहतर मेरी बीवी को कौन जानता है। हाँ ये कभी कभार थोड़ी नाराज हो जाती है, लेकिन इसकी नाराजगी ज्यादा दिन नहीं रहती है, और इसका प्यार जो है ना हम लोगों के लिए कभी कम नहीं होता है, है ना मिसेस कोहली? बिल्कुल गलत। आप जाकर बैठ जाइए वहां पर चुपचाप। शर्मा गई। तुम्हें पसंद है ये सब करना? क्या करना? ड्राइव? नहीं नहीं, ड्राइव मी क्रेजी। तुम बेकार नहीं परेशान करे जा रही हो, क्यों क्यों परेशान कर रही हो मुझे इतना? Really? मैंने तुम्हें बेकार में परेशान करके रखा हुआ है? और नहीं तो क्या? मैं नहीं, तुमने सबको परेशान करके रखा हुआ है। इनफैक्ट यू नो व्हाट, पूरे घर को परेशान करके रखा हुआ है। मुझसे तो तुम्हारी कुछ अलग ही दुश्मनी है, खुद को चोट पहुंचाकर बस मुझे हर्ट करते रहते हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं आई इतनी ज्यादा, और मैं खुद से थोड़ी चोट मारता हूँ अपने को। और तुम ना अपने आप परेशान हो रही हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, पर तुम बहुत कन्वीनियंटली ब्लेम सारा मेरे ऊपर डालना चाहते हो। क्या हो गया, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? तुम्हें रोक के झगड़ा करना है, अच्छा झगड़ा होगा। एक काम करो ना, चलते चलते झगड़ा करते ना, टाइम भी कट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा नाइस आइडिया। पर हम क्लिनिक पहुंच गए हैं मिस्टर रणबीर कोहली। ओह पहुंच गए, थैंक गॉड मैं बच गया। हेलो, ज्यादा स्माइल मत करना। क्यों, अगर मैं स्माइल करूंगा तुम क्या करोगी? तुम भी स्माइल करोगी ऐसे? बहुत अच्छी लग रही हो, मेंटेन दिस, बहुत बेहतर लग रही हो, कीप स्माइलिंग। तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो, चलो उधर के पैसे जाओ, तभी ठीक होगे। इंजेक्शन मारेगा मुझे, देखते क्या हुआ। मतलब तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? नहीं मुझे नहीं पता क्या हुआ। तुम्हें नहीं पता कि तुम अभी अभी डॉक्टर के पास से आए हो? हाँ आया हूँ, लेकिन इसका लेकिन लेकिन कुछ नहीं। तुम क्या कर, यहाँ बैठो। ओके यू नो व्हाट, मुझे ना तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मेडिसिन खुद खिलाने आई। और जब तक मैं अपने आँखों के सामने मेडिसिन नहीं खिलाती ना, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। शाबाश, वेरी बॉसी। हाँ वेरी केयरिंग। हाँ तुम ना फालतू में इतना स्ट्रेस ले रही हो, मुझे इतनी जोर से चोट भी नहीं है, बहुत छोटी चोट है, वो तो लिफ्ट में थोड़ा लिफ्ट थोड़ी ज्यादा ऊपर नीचे हो रही थी, इसीलिए मुझे चोट लग गई, वरना वैसे आई एम फाइन, आई एम नॉर्मल, ट्रस्ट मी। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हें ज्यादा चोट लगी होती तो मैं तुम्हें पहले घर लेकर आती, तुम्हें सीधा ना हॉस्पिटल में जाके एडमिट करती। ये तो मुझे पता है कि तुम्हारी चोट छोटी सी है, ज्यादा नहीं लगी, और ये मेडिसिन से काम हो जाएगा। खैर छोड़ो, अब ना बिल्कुल भी होशियारी नहीं,
चुपचाप ये मेडिसिन खाओ। ये थैंक यू। व्हाट? कुछ नहीं, तुम ना कभी कभी एकदम बच्चों की तरह बिहेव करती हो। और तुम खुद ही बहुत बड़े बच्चे हो, तुम्हें ना संभालना पड़ता है। आई थिंक इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। You're right. बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतनी एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं थी जितना तुमने एक्सप्लेन कर दिया। ये तुम्हें ज्यादा लग रहा है। अगली बार ना तुम खुद के साथ कुछ इससे ज्यादा करोगे ना, तब पता चलेगा कि मेरा ज्यादा क्या होता है। भगवान ना करे ऐसा दिन कभी आए। मैं तुम्हारे पास नहीं पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे, तुम मुझसे, मुझे लगता है काश काश हम एक दूसरे के साथ थोड़ा और वक्त मिल जाता जीने के लिए। थैंक गॉड प्राची तुम ठीक हो। आप ऐसे करेंगे तो हमारा क्या होगा? यार मैं मर जाऊं ना, अब भी कोई गम नहीं, बस बस मेरी बच्ची। दादी प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलिए प्लीज। ये जो आंसू है ना मेरे नहीं, ये तो मेरी प्राची का दर्द जो मेरी आंखों से बह रहा है। शाना वो टूट गई, आज भी वो 6 साल पुरानी जगह पर आकर खड़ी हो गई, दर्द में डूबी हुई, आंसुओं में डूबी हुई। आज भी वो वही है शाना। तो मुझे ये बता कि प्राची का दर्द खत्म क्यों नहीं होता? मैंने भगवान से इतनी सी चीज मांगी थी कि बस मेरी बच्ची को खुशियां दे, लेकिन देख क्यों भगवान मेरे साथ क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं आप? क्यों? प्राची मेरी जिंदगी से चली गई थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं उससे गुस्सा हूं, मैं उससे नफरत करता हूं। इतने सालों तक वो मुझसे दूर थी और मैं सोच रहा था कि वो मेरे दिल से भी चली गई है, लेकिन नहीं, वो मेरे दिल से कहीं नहीं गई, वो आज भी यही है, यही मेरे दिल में। मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत गुस्सा है, मुझे बहुत जलन हुई जब अक्षय ने प्राची को प्रपोज किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और क्यों अच्छा लगेगा? मेरी प्राची को कोई प्रपोज करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगा अच्छा, बहुत चुभन हुई मुझे। अजीब है, जब अकेला होता हूं तो कुछ और ही होता, जब घर वालों के सामने होता हूं तो प्रिटेंड कर लेता हूं कि सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन जब उसके सामने आता हूं तो कुछ अलग ही इंसान बन जाता हूं। मैं सबसे भाग सकता हूं, पूरी दुनिया से भाग सकता हूं, लेकिन मैं प्राची से, मैं अपने आप से कैसे भागूं? अपने आप से कब तक भाग पाऊंगा मैं? जब प्राची ने मुझे गले लगाया था लिफ्ट में तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्या करूं? हाँ भगवान जी क्या करूं? नहीं बताओ मुझे मैं क्या करूं? ये दर्द को कैसे कम करूं अपने अंदर? ये दर्द मेरी जान ले लेगा। कहां जाऊं जहां मुझे सुकून मिले? मैं किससे मिलूं जो मुझे सुकून देगा? कौन? खुशी है ये खुशी, आपकी खुशी, आइसक्रीम आपकी बेटी खाएगी, आपका बेटा खाएगा तो वो खुश हो जाएंगे, तो आपको भी मिलेगी खुशी। ले जाइए अपने बच्चों के लिए, ले जाइए आइसक्रीम। खुशी को आइसक्रीम अच्छी लगेगी ना?
भाई साहब ये आइसक्रीम आपके लिए। अच्छा चलो खुशी, अभी ना मैं आपको घर ड्रॉप कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, पास में ही तो है, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, मैं अपनी खुशी को अकेले नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं। ओहो ठीक है, चलो चलो। के सोच रहा है भगवान ही जाने भाई। आए। के तू बता के कुछ भूल तो नहीं रही है लाली? याद है ना मैंने क्या कहा था, ये पिद्दी चिड़िया बड़ी होकर हमारे काम आएगी, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी ये खुशी, याद है ना लाली? मने अच्छे से याद है, पर तू मुझे एक चीज बता, अभी चिड़िया तो चुग गई खेत, बाद में के माथा फोड़ू अपना? नहीं ना, मुझे अभी अच्छा पैसा मिल रहा है तो मैं तो ना छोड़ूंगी, अभी बुढ़ापे में कुछ हो गया, छोरी बड़ी हो के प्यार व्यार के चक्कर में उड़ गई तो कौन पकड़ेगा उसको? पकड़ेगा तू उसको? नहीं ना, मैं उसे खिलाने पिलाने में पहनाने में जो पैसा खर्च कर रही हूँ वो सारा कल को नहीं मिलेगा तो बर्बाद हो जाएगा ना। मैं नहीं छोड़ूंगी एक भी पैसा, सब लेके रखूंगी, पूरा पैसा लूंगी। हाँ बात करते ए, लाली, रुक। क्या हुआ है आप ऐसे क्यों देख रही है मुझे? इतनी शॉक्ड होने की कोई बात नहीं है। आप दोनों जानती थी ना कि खुशी को मैं यहाँ लाना चाहती थी, अपने पास, हमारे घर में, हमारी फैमिली में। और दादी आप तो हमेशा यही कहती है ना कि जब खुशी आसपास रहती है तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। हाँ बेटा, हम भी यही चाहते हैं कि खुशी तेरी जिंदगी में आ जाए, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन प्राची तो कह रही थी कि तू खुशी के लिए सब कुछ छोड़ देगी। हाँ मैं अभी यही कह रही हूँ, छोड़ दूंगी, ये घर, ये शहर, ये जॉब, सब कुछ छोड़ दूंगी और एक नई जिंदगी अपनाऊंगी, नई शुरुआत करूंगी। मैं जिंदगी का ये चैप्टर यहीं खत्म करना चाहती हूँ। वैसे भी यहाँ क्या मिला है मुझे? झूठ, धोखा, इल्जाम से तो ये कहा गया कि मैं एक मां बनने के लायक नहीं हूं, मैं एक बहुत बुरी मां हूं। मुझ पे इल्जाम लगाया गया कि मैंने अपनी बेटी, कुछ नहीं मिला ना मुझे तो मूव ऑन करना चाहिए, जैसे दादी कहती है। दादी आप कहती है ना कि हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, वही तो कर रही हूँ। खुशी के साथ, मैं खुशी के साथ एक नई जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ, नई यादें बनाऊंगी, उसे एक नई जिंदगी देना चाहती हूँ, एक बेहतर इंसान बनाना चाहती हूँ, उसके लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। दादी खुशी मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आई है, मैं उसकी जिंदगी खुशियों से भर देना चाहती हूँ। लाली जी को क्या चाहिए? 10 लाख ना, हम दे देंगे, और वो बदले में हमें खुशी दे रही है दादी, खुशी। और दादी आप सही कह रही थी, लाली जी खुशी की सगी माँ नहीं, मैंने अपने कानों से सुना है और जब ये बात हो रही थी ना मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए तो वो खुशी का ध्यान नहीं रखती, वो उसकी परवरिश अच्छे से नहीं कर पा रही है। मुझे ज्यादा गिल्ट भी नहीं है कि मैं एक माँ से उसके बच्चे को दूर कर रही हूँ। शाना मैंने अपना बच्चा खोया है, अपने पंछी को खोए, मुझे पता है ये दुख क्या है, ये दर्द क्या है, मैं जानती हूँ। कहते हैं ना कि भगवान के घर में भले ही देर हो अंधेर नहीं होती, देखना भगवान जी ने जैसे मेरी सुन ली, इतने सालों बाद क्यों ना हो उनको तरस आ गया,
और उन्होंने पंछी को भेज दिया खुशी के रूप में। प्राची बेटा चाय। दादी आपको पता है मैंने अभी एक सपना देखा, पर वो सपना नहीं लग रहा था, बहुत रियल लग रहा था, जैसे अभी हो रहा है अभी यहाँ। अच्छा क्या देखा सपने में? खुशी को देखा, वो मुझसे कह रही थी कि भगवान जी ने ना उसे मेरे लिए भेजा है, और फिर कह रही थी कि भगवान जी कह रहे थे कि सॉरी खुशी को मुझसे इतने साल दूर रखा ना इसलिए। हाँ बेटा, अक्सर हम जिसके बारे में सारा दिन सोचते रहते हैं ना, फिर सपने में वही आता है। अब तू सारा दिन खुशी के बारे में सोचती है, इसलिए खुशी तुझे दिखाई दी। हाँ लेकिन ना दादी सच्ची सब कुछ बहुत रियल लग रहा था, पर एक्चुअली हाँ क्योंकि रियल तो है, क्योंकि खुशी तो आने वाली है ना यहाँ, उसे लेने भी तो जाना है ना दादी। अरे बेटा चाय। नहीं दादी, पहले ना बैंक जाऊंगी, डीडी तैयार करूंगी और फिर उसे पिक करने जाऊंगी। बेटा इतनी सुबह तो बैंक भी नहीं खुला होगा। ठीक है ना, मैं तैयार हो जाती हूँ, मुझे लेट नहीं होना है बिल्कुल। अरे प्राची चली गई। भगवान मेरी बच्ची का ख्याल रखना, ये समझ ही नहीं रही, इसे लग रहा है कि जो इसे चाहिए वो इसे मिल रहा है, लेकिन इसे तो एक परिवार चाहिए, खुशी के साथ साथ एक परिवार, एक ऐसा हमसफर जो इसका ख्याल रख सके, इसे प्यार कर सके। जिंदगी का मजाक भी तो देखो, जिन्हें सबसे ज्यादा परिवार और प्यार चाहिए वही कहते हैं कि हमें प्यार नहीं चाहिए। खुशी आप यहाँ? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपको क्या समझ नहीं आया? मुझे आपके पास आना था और आपके साथ रहना था, इसलिए मैं मम्मा के साथ यहाँ आ गई। मम्मा कहाँ है मम्मा? मुझे चाहिए था आप दोनों दोस्ती कर लो, इसलिए तो मैं आ गई। और अब हम सब साथ में रहेंगे। मतलब हम तीनों साथ में रहेंगे? हाँ मुझे ऐसी ही तो चाहिए था, आप मैं और मम्मा, मम्मा हम तीनों साथ में रहेंगे। आप दोनों मेरे फेवरेट हो ना, इसलिए। देख रहा हूँ मैं, वेरी गुड। आजकल बहुत पार्वती पार्वती चल रहा है ना, सब देख रहा हूँ मैं, अपने शिव को तो भूल ही गया। गुड गुड सही, अच्छा क्या मेरे साथ? ऐसा क्यों कहा आपने? मैं आप दोनों की फेवरेट हूँ है ना, और मैं आप दोनों से प्यार भी करती हूँ। अगर मेरा बस चलता ना तो पता है मैं क्या करती? क्या करती? मैं आप दोनों को एक घर में रखती और मैं भी वहाँ रहती। आप मैं और मामा हम तीनों साथ में। मैं भी क्या बोल रही हूँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ए, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। नहीं नहीं कुछ तो सोच रही हो, मैंने देखा आपको सोचते हो वैसे नहीं। क्या सोच रही थी? आजकल आप पहले जैसे मिलने नहीं आ रहे हो मुझसे, उल्टा आप मुझे भूल गए हो। हाँ मैं भूल गया हूँ तुमको? हाँ इधर देखो, मैं भूल गया हूँ। मैं आया था कल रात को, तो तुम अपनी पार्वती के साथ बिजी थी, तो मैं क्या करता फिर। आप झूठ बोल रहे हो ना, आप नहीं आए थे कल रात को। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, देखो मैं इधर मैं आया था, तुम बड़ा हंसी ठिठोली कर रही थी, आइसक्रीम खा रहे थे तुम दोनों, मैं भी आइसक्रीम ही लेके आया था। तो आप भी हमारे साथ आ जाते थे ना, हम सब मिलकर आइसक्रीम खाते। मैं आ जाता लेकिन वो। लेकिन क्या? पार्वती है ना तुम्हारी, उससे मेरी लड़ाई हुई इसीलिए मैं नहीं। क्या कर रहा हूँ मैं ये बच्ची के सामने ये सब? नहीं नहीं तुम वो सब छोड़ो, वो मैं इसलिए नहीं आया था क्योंकि कुछ है बात, तुम नहीं समझोगे, बड़ों की बात है। पर आप मुझे एक बात बताओ, मैंने कल आपको फोन किया, आपका फोन क्यों नहीं लग रहा था? वो फोन टूट गया। फोन टूट गया? कैसे टूट गया फोन?
कॉर्ड टूट गया था। ठीक है कोई बात नहीं, एक्चुअली मेरे पास एक स्पेयर फोन है, वो फोन मैं तब इस्तेमाल करता हूँ जब मेरा जो ये ओरिजिनल फोन है ना वो खराब हो जाता है। ओके मैं तुम में लेके आया, मेरे पास गाड़ी में रखा हुआ, ओके यहीं रहना। ये है आपका नया फोन, आओ मेरे साथ बैठो यहाँ सिट। बिंडिया क्या भी रहे? और भाई क्या चल रहा है आज सुबह सुबह? बलवीर आज बहुत ज्यादा गुस्से में। क्यों आप क्या हुआ? लाली ने हाथ उठाया मुझ पर, ये देख मुझ पर वार किया। वो लड़की खुशी वो जितनी लाली की है ना उतनी मेरी भी है, मेरी भी है ना। मैं गया था अनाथ आश्रम, उस खुशी को चुरा कर लाया था और लाली को बेचा था, और अब वो लाली उस खुशी को बेचने जा रही है। लाली बेच रही है उसको, पर कितने में? 10 लाख मिल रहे हैं उससे। अरे तो ठीक है ना, उसको मिल रहे हैं तू उससे ले ले। अरे वो मुझे पैसे देने से इनकार कर रही है। तू खुशी लाया ना तो मैंने तुझे बदले में पैसा दिया, हिसाब बराबर। अभी जो भी पैसा मिलेगा मुझे वो मेरा। अभी समझी तुम लोगों को बात? सुन तेरे को वो बिल से नहीं आ रहा? क्या हुआ उसको? तो वो ये काम करता है। क्या काम करता? औरतों और बच्चों को बेचने का। और खुशी वो भी बच्ची है, उसके तो और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। अभी भी कोई टेंशन है क्या भाई? अरे वो लाली उसे एक पल अकेला नहीं छोड़ती है, अब तक तो उसने वो प्राची मैडम के घर पे उसे भेज भी दिया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं, हम दोनों ने देखा खुशी को, वो माता के मंदिर गई है। क्यों आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान जी? क्यों मुझे आपने इतना उलझा रखा है? इतना मैं इतना कंफ्यूज्ड हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे सही और गलत समझ नहीं आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है मेरे साथ, क्या चाहता क्या हूं मैं अंदर से। इतनी उलझन दी हुई है, इतना इतना कंफ्यूजन दिया हुआ है कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। दिमाग में सिर्फ एक चीज आ रही है बार 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 बार, सिर्फ प्राची 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 के बारे में ही सोचे जा रहा हूं हर वक्त। दिमाग में सिर्फ उसका ख्याल है, सिर्फ उसका, और उसके अलावा कुछ ना सुनाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है, ना समझ में आ रहा है, ना महसूस हो रहा है। क्यों क्यों क्या करूं मैं? बैठिए। अरे हटिए, सामने से हटिए। हट जाइए ना, हमें निकलना है, हट जाइए ना आप। क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? माँ आदमी के हाथ में एक निशान बना था, शेर बना था। मैं जब तक शक्ति अंकल से बात करती तब तक खुशी को उठा कर ले गए। शक्ति? शक्ति तो बलबीरा का दोस्त है, और बलबीरा का तो एक और दोस्त है ना जिसका नाम टाइगर है, उसी के हाथ में शेर का वो टैटू बना हुआ है। तेरा फंदा तो मैं ही बनाऊंगा और फांसी भी मैं ही लगाऊंगा, तू रुक कुछ टाइम। ये मैडम क्या कर रही है, कहीं पुलिस को तो नहीं फोन लगा रही? हेलो गेटर प्लास पुलिस स्टेशन। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं प्राची अरोरा। इंस्पेक्टर सर वो खुशी खुशी छोटी सी बच्ची 6 साल की, वो अचानक एक लाल कलर की गाड़ी थी, मैंने देखी, मैंने नंबर भी नोट कर लिया है, पता नहीं कहाँ चले गए। आप जल्दी आइए यहाँ पे, प्लीज जल्दी आइए। देखिए मैडम जो कुछ भी है अब तो वो लोग वहाँ पे नहीं है ना, तो आप यहाँ पर आ जाइए और रिपोर्ट आकर यहाँ पे लिखाइए, हम कुछ करते हैं। ओके 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 मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। लाली जी गाड़ी में हटिए ना यहाँ से, प्लीज हमें जाना है प्लीज। पता नहीं वो किस हालत में होगी, वो लोग कौन होंगे, कहाँ ले गए होंगे खुशी को। खुशी काश किसी ने उसे देखा होता। बेटा आप
आप थी ना वहाँ जब खुशी को वो आदमी लेके गया था, आप थी ना? हाँ, मैं और खुशी साथ में ही मंदिर से बाहर आ रहे थे। हाँ तो वो जो आदमी था ना, वो जो खुशी को लेकर गए उठा के, उसे देखा था आपने? कुछ याद है आपको? हाँ हाँ, हम जब बाहर आ रहे थे मैंने शक्ति अंकल को देखा था, वो मिले थे मुझे और वो पक्का के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। शक्ति अंकल? कौन शक्ति? किसकी बात करिए? शक्ति बलबीरा का दोस्त है। मैंने बताया था लाली को कि शक्ति मुझे मिला था और लाली उसे अच्छे से जानती है। ये क्या कह रही है? आपको पता है? आप जानती है वो शक्ति है जिसकी बात करिए, बलबीरा का? आपको कुछ पता है तो बताइए ना मुझे, आप चुप क्यों है? लाली जी इधर उधर में देखिए, मुझे देखिए ना, बोलिए ना, क्या क्या आप नजरें क्यों चुरा रही है? नजरें कौन चुराता है पता है ना आपको? क्या हुआ बताइए, खुशी की जान पे आ सकती है वो आदमी? कौन है वो बताइए मुझे, बताइए मुझे, क्या जानती है आप? ऐसा क्या हुआ है जो खुशी को उसने? हाँ हुआ था ना, बहुत बड़ा तमाशा, मुझे लगा लाली ने आपको बताया है। ये सब उसी का किया धरा है। किसका किया धरा? किसकी? ये कौन शक्ति? क्या बोल रही है? बोलिए ना लाली जी, बोलिए। आपको कुछ पता है? मुझे पता है क्योंकि आप बोल नहीं रही है। लाली जी कुछ पता है, कुछ याद है तो मुझे बताइए ना। आप चुप क्यों है? आप नहीं बोलूंगी तो मैं पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस ले ले। मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। पुलिस में, पुलिस स्टेशन नहीं, आप इधर आइए मेरे पास। बहुत मुश्किल से मैंने बचाया खुशी को, जाने नहीं दिया उसको मैंने। आपको पता है आपने कितनी बड़ी बात छुपाई है मुझसे? आपको पता कितनी बड़ी गलती की है आपने? खुशी के जान पे आ सकती है वो आदमी, कुछ भी कर सकता है। अगर आपके सामने वो कर रहा था तो जाहिर सी बात है दूसरे दिन ट्राई करेगा, और उसने किया। मैं आपके साथ बैठी थी आपके घर में, तभी भी कुछ बताया होता तो काश मैं जाती, खुशी को बचाती, आज वो हमारे साथ होती। आपने क्या किया ये? क्यों नहीं बताया मुझे? आपने मुझे बताया, क्यों नहीं बताइए? ऐसा क्या था कि क्यों? और कौन था वो? किसकी बात करे? वो आदमी कौन है? कौन है ये? वो भी बलबीरा का वो दोस्त? कौन है वो शक्ति? वो कहाँ मिलेगा? वो कहाँ मिलेगा? मुझे उसके पास जाना है। बोली उनका अड्डा मैं जानती हूँ, वो कहाँ मिलेगा। लेकिन अगर हम पुलिस को लेके जाएंगे ना तो उनको पता चल जाएगा। वो जो जूही बात कर रही है ना, उसके बारे में, जिससे वो हाथ पे गुंदवाया हुआ है, टैटू। वो जो आदमी है ना। क्या हो रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है, पर मुझे पक्का पता है मुझे कुछ हो रहा है अभी। क्या करूं मैं? डॉक्टर को फोन करूं क्या? हाँ डॉक्टर को फोन कर लेता हूँ, और किसको फोन करूंगा? और कौन ही बताएगा मुझे क्या हो रहा है? मिली क्या बच्ची? बच्ची कहाँ जाएगी? अबे देखना यार, यही कहीं होगी। देख कहाँ है? कहीं जाएगी नहीं, इधर ही किधर होगी। चल उधर देख, गली तो नहीं चाहिए, चल। तो ये है मेरा स्पेयर फोन, इसमें ना मैं अपना नंबर सेव कर रहा हूँ शिव के नाम से। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरे को फिजिकली कोई दर्द नहीं है, मुझे एक्चुअली इमोशनली दर्द हो रहा है। मतलब मेरा जो दिल है ना वो बहुत तेज से धड़क रहा है, मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही है, एंजाइटी जैसा लग रहा है। होता है ना जब आपको कोई अपना सफर कर रहा हो तो आपको ऐसे सैड फील होता है, मुझे वैसा सैड फील हो रहा है, बहुत अजीब सा, बहुत बेचैनी, बहुत ज्यादा बेचैनी। एक सेकंड डॉक्टर साहब, मुझे ना एक फोन आ रहा है पीछे से, शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैं आपको कॉल बैक करूं? ठीक, थैंक यू। हेलो शिव। खुशी? शिव। खुशी क्या तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ? तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो इतनी आराम आराम से? आर यू ओके? नहीं। क्या हुआ है बेटा? कुछ हुआ है? बताओ ना मुझे, तुम इतनी धीरे धीरे बात क्यों कर रही हो? सब ठीक है? तुम कहाँ हो अभी? ये मैं किडनैप हो गई हूँ। किडनैप कर लिया? हाँ, दो तीन अंकल है, पता नहीं बैड अंकल है। ए लड़के, कहाँ
निकल बाहर, कहाँ छुपी है? खुशी बेटा, मुझे आवाज आ रही है उन लोगों की जिन्होंने आपको किडनैप किया है। कहाँ हो आप, कहाँ हो? मैं यहाँ छुपी हुई हूँ क्योंकि ना वो मुझे ही ढूंढ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको कुछ नहीं होगा, आप स्ट्रांग हो ना? Yes, खुशी is very strong. आपको बिल्कुल रोना नहीं है, घबराना नहीं है, मैं हूँ ना मेरे बच्चे, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं वहाँ आऊंगा, आपको उठा के अपने साथ ले जाऊंगा। ओके, आप बिल्कुल मत डरो। आई लव यू। बस अभी ना वो जो बैड अंकल है वो आएंगे, वो आपको उठा के वो अपने साथ लेके जाएंगे। आप मुझे डरा रहे हो ना? ए, पीछे बैठ, अच्छे से बैठ, चल। क्या ये क्या? उधर बैठ, पीछे। अरे वाह, इसमें तो गेम्स भी हैं। अरे हाँ चाकू, ये है मेरा ऑफिस। अरे वेरी गुड, ले बिस्किट खाएगा? नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना बिस्किट, थैंक यू। ओह नो, क्या हुआ? वेयर इज माय लैपटॉप? मुझे क्या पता वेयर इज योर लैपटॉप। आई लॉस्ट माय लैपटॉप। लॉस्ट माय लैपटॉप मतलब? मेरा लैपटॉप गुम हो गया। अरे मुझे पता है लॉस्ट माय लैपटॉप का क्या मतलब होता है, लेकिन गुम कैसे हो गया? अभी तो तेरे पास था। कैसे खो सकता है तू? देख, मुझे खुशी की लोकेशन चाहिए, उसके लिए तेरा लैपटॉप चाहिए, मैं नहीं जानता, ढूंढ कहीं से भी। अभी खुशी की तो परेशान होगी यार, कितने सारे लोग के बीच में परेशान होगी वो, तू समझ रहा है ना? समझ रहा हूँ यार, है ना? लेकिन क्या करें? एक काम करते हैं, पुलिस के पास चलते हैं, उन्हीं का काम है ढूंढना। नहीं जा सकते पुलिस के पास अभी, बाद में जाएंगे, अभी नहीं जा सकते। तो फिर कब जाएंगे? हम जाएंगे जब सही टाइम होगा, अभी हम नहीं जा सकते। पुलिस वाले ना बहुत वक्त लगाते हैं, उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसी चीजों में पढ़ चुका हूँ मैं पहले, और मेरा एक्सपीरियंस हमेशा खराब रहा है। पुलिस वालों को बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, उस प्रोसीजर में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और मेरे पास वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास, तू समझ रहा है? तो कुछ कर, ढूंढ लैपटॉप, कहाँ है लैपटॉप, लास्ट टाइम कब देखा था? अरे यार तो अकेला है। मेरा मतलब है कि तू श्योर है कि तू खुशी को बचा लेगा? अरे वो किडनैपर्स और वो कितने खतरनाक है हमें नहीं पता भाई। इसीलिए बोल रहा हूँ, हमारे पास वक्त नहीं है मेरे दोस्त, हमें जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। तू बस मुझे कहीं से एड्रेस ढूंढ के दे दे और मेरी मदद कर, एड्रेस निकाल, और जब तू मेरी मदद करेगा ना तो तुझे खुद बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत प्राउड फील होगा। पहली बार तू सिस्टम को हैक करेगा और एक छोटी बच्ची की जान बचाएगा। तो कम ऑन, अपना लैपटॉप ढूंढ और मुझे लोकेशन ढूंढ के दे। शाबाश, ओके कम ऑन। सीरियसली क्या? अरे यार दरवाजा तो बंद कर ले। तेरा रॉड कहाँ है बे? रॉड क्यों? ये इसके बिना वीरा वीरा नहीं लगता। तीन लोग को खून लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया। लकी चार्म अपना इसलिए साथ रखता है मैं। चीप, समझ गई। मैं समझ रही हूँ कि आप ये सब क्यों बोल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप हमें डराना चाहते हैं। अरे नहीं रे, चेतावनी देने के लिए, अंग्रेजी में बोले तो वार्निंग। अब इधर कोई चालबाजी करने आए हो, कोई गेम खेलने आए हो? गेम मतलब पुलिस की खुफिया हो, अंडरकवर और वीरा की खबर निकालने आई हो? अगर ऐसा कुछ निकला ना तो ये रॉड देगी उसका जवाब, और आतीन खून और हो जाएंगे। देखिए आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम कोई गेम खेलने नहीं आए हैं या फिर
पुलिस के खुफिया नहीं है हम आपके पास आए थे, हम आपसे मदद मांगने के लिए। मदद? ये बलबीरा कभी नहीं सुधरेगा, ये दुनिया का सबसे बुरा इंसान है बलबीरा। बच्ची को उठा लिया, बताओ। देखिए आप, वो छोटी सी बच्ची, उसे क्यों उठाया होगा, उसने क्या किया? बच्ची पैसा, अरे पैसा बनाएगा बच्ची से, वो बेच डालेगा उस लड़की को। अभी कितनी देर हुआ उस लड़की को उठाए? बस अभी थोड़ी देर पहले उठाया। तो फिर बिल्कुल ठीक जगह पे आए तुम लोग, बच सकती है बच्ची। मैं मदद करूंगा तुम लोग का, पर मैं काम करने का पैसा लेता है। अभी क्या है ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मैडम पैसा लगेगा, पैसा। समझ गई, आपको जितना भी पैसा चाहिए मैं दूंगी। कहाँ पे होगी? अरे वेट दो मिनट यार, जल्दी 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 जल्दी। राइट राइट, आगे से राइट। पक्का तू शोर है? मेरा यही काम है, इसलिए बुलाया ना तूने मुझे। तू कहना चाहता है यहाँ से राइट लूंगा तो खुशी की लोकेशन मिलेगी पक्का? हाँ हाँ हाँ, ये देख, ये जो ग्रीन सिग्नल है ना, हाँ यहीं पे खुशी का फोन है। अरे क्या कर रहा है भाई? अरे तुझे पता है मेरी बीवी 16 सोमवार के व्रत रख रही है ताकि मैं जिंदा रह सकूं, और तू मारने की कोशिश कर रहा है? व्हाट, क्या बोल रहा होगी? अरे हाँ भाई, मैं जिंदा रहूंगा तभी तो मेरी वाइफ देख पाएगी कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। अरे सिंपल लॉजिक है बॉस, पहले कुछ साल तो ऐसे कोई एक दूसरे को समझने में निकल जाते हैं यार। एक सेकंड, तेरी तो कोई वाइफ तो बहुत दूर की बात है, गर्लफ्रेंड नहीं है? तभी तो ऑफिस में इतने घंटे काम करता रहता है। तो मैंने कब कहा कि गर्लफ्रेंड के 16 सोमवार? अरे मेरी वाइफ के 16 सोमवार, और वाइफ दिलाने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। एक सेकंड यार, मैं अभी बिल्कुल तेरे माँ बाप के बारे में, अरेंज मैरिज के बारे में नहीं सोचना चाहता, मैं सिर्फ खुशी के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ओके ओके, स्टॉप द कार। नहीं, गाड़ी तब तक नहीं रुकेगी जब तक लोकेशन मेरी पहुंचेगी। भाई लोकेशन आ गई यार, ये देख कर रहा है। सॉरी, अरे बेटा ऐसा मत देख मुझे, मुझे पता है कि तू सोच रही है मैं अंदर क्यों नहीं जा रहा, रणबीर की हेल्प क्यों नहीं कर रहा, पर क्या करूं, वो गुंडों से लड़ रहा है। अरे मेरे को डर लगता है, मैं नर्वस हो जाता हूं, मेरे को समझ नहीं आता, मैं फाइटिंग नहीं कर सकता। आ, आ, बेटा आप ठीक हो ना? वेरी गुड। ये हवेली का है? क्या हवेली? हाँ। अबे मैं दिल्ली में रहता हूँ और मुझे पता है ये कितनी महंगी सिटी है। मैं यहाँ 10x20 का प्लॉट खरीदने के पैसे नहीं, तू हवेली की बात कर रहा है? तो एक काम कर, उनको मना कर दे, बोल लड़की के बजाय कुछ और मांग लो, हवेली नहीं खरीद सकते। तू पागल हो गया क्या? कोई बात समझ में नहीं आती तेरे को? हवेली मुझे खरीदनी नहीं है, हवेली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अंदर किडनैपर्स बोल रहे हैं कि खुशी किसी हवेली में। तुझे कोई ऐसी जगह पता है जहाँ पे एक हवेली हो रेलवे स्टेशन के पास, पता है क्या? नहीं, रेलवे स्टेशन का तो पता, पर हवेली का कोई आइडिया नहीं है। मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा, और क्या, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढना जरूरी है। ओ, 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 शुक, चुप, चुप। ऐसी वैसी आंटी नहीं है वो, बहुत खतरनाक है, और बच्चों को तो वो बख्शती नहीं है। हाँ भागोगी? भागोगी? बाद में ये नहीं बोलना कि बलबीर अंकल आपने कात्यानी आंटी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। चुप, चुपचाप बैठे रहना। शक्ति, कात्यानी आंटी को फोन लगा, पता करके वो कहाँ है? अभी कर। मैं विल्सन से मिलने जा रहा हूँ। बलबीरा, हाँ जरा जमा के भाव था, अच्छे से करना, इस काम में बहुत मेहनत लगी है, दाम भी अच्छा मिलना चाहिए। टाइगर, दाम काम का नहीं, माल का मिलता है। चुप। हेलो कात्यानी आंटी, कहाँ पहुंची आप? कोई गाड़ी आ रही वो दिख रहा है तुझे? नहीं ना। आओ आप आगे चलो पहले। हेलो, ओ गॉड दादी, आई थिंक मैंने आपको गलत टाइम पे फोन कर दिया। आप एक काम कीजिए, पहले आराम से रोड क्रॉस कर लीजिए, उसके बाद बात करते। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, आप जो भी है ना, हम आपसे ही बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम बाहर मार्केट में हैं। लिसन, शाहाना, इट्स मी अक्षय। एक्चुअली मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि प्राची घर से निकली है कि नहीं, क्योंकि वो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंची। अक्षय के लिए
मेरे मन में, मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं थी और नहीं है, और ये एक ही कारण है कि मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया। लुक, आई एम रियली सॉरी मैं इस तरह से डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट शाहरा प्राची का जो फोन है वो नॉट रीचेबल है, तो मैं बहुत ज्यादा यू नो स्ट्रेस में आ गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं। अक्षय, प्राची एक्चुअली खुशी से मिलने गई है, वो वहां से ऑफिस आ जाएगी। ओह ओके, खुशी से मिलने गई, हाँ तो फिर तो ऑफिस आ ही जाएगी। थैंक्स अ लॉट बताने के लिए, थैंक यू। क्यों झूठ बोला अक्षय से कि प्राची ऑफिस गई है? तुझे तो पता है ना उसने नौकरी छोड़ दी है। दादी मुझे पता है, लेकिन अक्षय वो इतना अच्छा है, मैं उसको झूठ कैसे बोलती? वो बहुत प्यार करता है प्राची से, उसका दिल टूट जाता। सही कह रही है तू, पागल हो जाऊंगा प्राची के बारे में सोच सोच के, दिमाग किसी और चीज में लग ही नहीं रहा, और ऊपर से उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, बंदा परेशान तो होगा ही। इतने फोन कर दिए प्राची को, पता नहीं क्या सोची थी कि मैं पागल हो गया। एक सेकंड, अगर प्राची को फोन लग ही नहीं रहा है तो उसे पता कैसे चलेगा कि मैंने उसे कितने फोन किए? पागल तो हो रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट वो मुझे पागल नहीं समझेगी। एक बार और ट्राई करते हैं। प्राची फोन उठा लो, लग गया। मैडम, हाँ, आपका फोन। फोन? ओह। हेलो प्राची। हाँ अक्षय। प्राची कहाँ हो तुम? थैंक गॉड तुमने फोन उठा ली। तुम जानती हो मैं कितना परेशान हो गया था, तो तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल आ रहा था, इतनी कोशिश की मैंने। एनीवेज तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कहाँ? नहीं, वो मैं ट्रैवल कर रही हूँ ना, तो नेटवर्क नहीं है, हो सकता है उस वजह से। ट्रैवल मतलब तुम कहाँ जा रही हो तुम? प्राची तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम परेशान हो। Tell me what's happening. अक्षय, प्राची मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ मुझे क्या हुआ, कहाँ हो तुम? अक्षय वो खुशी है ना, उसे किसी ने किडनैप किया है। What? Actually, किसी ने नहीं, बलबीरा है ना उसी ने, और उसी को ढूंढने मैं जा रही हूँ। मतलब मैं अकेली नहीं हूँ, बलबीरा है ना उसके सौतेले भाई के साथ, उन्हीं की गाड़ी में, और मेरे साथ लाली जी है, और उनकी नेबर है ना बिंदी की माँ, वो भी है। एक सेकंड, तुम बलबीरा को ढूंढने जा रही हो उसके सौतेले भाई के साथ उसी की गाड़ी में, और तुम्हारे साथ लाली जी और बिंदी की मदर भी है। प्राची तुम कैन यू हियर योरसेल्फ, तुम क्या कह रही हो? तुमने एक बार नहीं सोचा कि मुझे फोन करके बता देती, एटलीस्ट मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? हाँ अक्षय, वो क्या है ना, सुबह इतना सब कुछ हो गया ना, जल्दी जल्दी मुझे समझ में नहीं आया क्या करूँ क्या नहीं, आई डिडंट अंडरस्टैंड, और होश ही नहीं रहा। इनफैक्ट मैंने तो रणवीर को भी कॉल किया। चल ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या, हम यहाँ क्यों आए? यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, यहाँ क्यों आए हम? अपनी शक्ल दिखाने के लिए। देख देख ना मेरे माथे पे, देख क्या लिखा है यहाँ पे, बेवकूफ गधा। ये आप क्या कह रहे हैं? चुप, एकदम चुप। पागल दिखता हूँ मैं? बेवकूफ समझती मुझे? आप ये क्या बोले जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। नाटक नहीं, भेजा ये भूसा नहीं भरा इसमें, समझा ना? सब समझता है मेरे को, पुलिस के साथ मिले हुए ना तुम लोग? नहीं, ये बोला ही था मैंने, इनाम का पैसा चाहिए तुम्हें, अरेस्ट करवाएगी मेरे को। वीरे ये क्या बोल रहा है? होशियारी नहीं, सब समझता हूँ मैं, पुलिस के साथ होना तुम लोग, और ये वही कर रहा है ना, ये बलबीरा, उसी ने भेजा ना तुम लोग को, साला औरतों को आगे कर रहा है मुझे पकड़वाने के लिए। साला कहने को सौतेला भाई है, लेकिन दुश्मनी के लायक भी नहीं, एक बच्ची को आगे कर दिया, उसका बहाना बनाकर तुम लोगों को भेजा मेरे यहाँ पे। देखिए आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? चुप, गाना आवाज नहीं। अरे कैसे आवाज नहीं करे वीरा, तू गलत बोल रहे है।
लाली जी, क्या किया आपने? आपने हाथ कैसे लगाया इन्हें? हमेशा के लिए बोलती बंद तुम लोग की। तुम लोग का खेल भी खत्म और तुम लोग भी खत्म। लेकिन नहीं, गोली नहीं, तुम जैसे लोगों के लिए गोली बर्बाद नहीं करूंगा मैं। इस गाड़ी के नीचे कुचल के मारूंगा तुम लोग को। तुम लोगों ने मिलकर धोखा दिया है मुझे और वीरा से गद्दारी मतलब तुम लोगों की कहानी खत्म। ए कालू, बांध इन औरतों के हाथ पैर, और जब तक गाड़ी चढ़ेगी नहीं ना, कोई बच के भागने ना पाए। ये सब क्या हो, क्या हो रहा है ये सब? तुम यहाँ कैसे? हमें खोलो जल्दी, पहले खोलो। ऑफ कोर्स। आराम से, दुख रहा है मुझे रणबीर। ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई बताएगा मुझे क्या हो रहा है? वो खुशी किडनैप हो गई, वो बलबीरा, उसने किडनैप किया है खुशी को। हम मदद मांगने आए थे, वो वीरा उसका सौतेला भाई है, इस वीरे की मदद से खुशी को ढूंढने निकले थे। पर खाची, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सब कुछ इतने अचानक हुआ, मुझे समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए क्या नहीं। तुम्हें ये नहीं लगा कि तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था? वो वीरा के पास क्यों गई तुम? इसलिए इस वक्त तुम्हें लड़ाई करनी है मुझसे। हमें यहाँ से निकलना है, ये लोग बहुत खतरनाक है। चलो चलो, लेट्स गो लेट्स गो। अरे यार फालतू में फंस गया, मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। अच्छा खासा खुशी के पास जाना था लेकिन मैं तुम लोग के चक्कर में फंस गया। तुम्हें पता है खुशी कहाँ है? मुझे पता होता खुशी कहाँ है तो मैं खुशी के पास नहीं होता, मैं यहाँ क्या कर रहा होता? तुम ना बदतमीजी बात मत करो। बंद करो तुम्हारा नाटक। तुम्हें पता है तुम पुलिस के साथ हो? नहीं साहब, हम पुलिस वालों के साथ बिल्कुल नहीं है। हम तो बहुत गरीब आदमी है साहब। आपका पैर कहाँ है? हम आपका पैर छूना चाहते हैं। भागो, गाड़ी में बैठो, जल्दी निकलो। जल्दी। भाई साहब, आपको कुछ बताना भूल गया था, ये लीजिए। आपको बोलना ही भूल गया। बाय बाय बाय। रणबीर क्या कर रहे हो तुम? बाद में बताऊंगा। चल चल चल। छोड़ूंगा नहीं लोग को। चल गाड़ी निकाल। चाबी कहाँ है? वो देखो, प्राची को फोन दो। प्राची का है, मेरी बहन प्राची का है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? प्राची? वो जहाँ भी है ज्यादा देर के लिए नहीं है। मुझसे गद्दारी की है उसने, मैं ढूंढूंगा उसे और जान से मारूंगा उसे। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? How dare you? Hey, you! Listen to me very carefully. मेरी प्राची को अगर कुछ किया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे तुम? तुम कहो, क्या हो तुम? बताओ मुझे, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरी प्राची की तरफ आंख उठा के भी मत देखना, समझे तुम? प्राची तो मरेगी, मैं मारूंगा प्राची को। तो कुछ भी कर ले इंस्पेक्टर, प्राची तो मरेगी। हेलो हेलो, ये कौन था? ये रिया, तुम गाड़ी में बैठ, आओ मेरे साथ। आप लोग ठीक है ना? तुम्हें क्या लग रहा है, अगर तुम वहां देखोगी तो तुम्हें जवाब नहीं देना पड़ेगा मुझे? जवाब दो।
मुझे फोन क्यों नहीं किया तुमने? जवाब दो। इनको तो फोन करना था, पर ये भागदौड़ी में फोन कर नहीं पाई। इन्होंने अक्षय जी को बोला भी था फोन पे कि आपको फोन नहीं कर पाए, मैंने सुना था। तुमने अक्षय को फोन किया? वेरी गुड प्राची, अक्षय को कॉल किया तुमने। ये जानते हुए भी कि मेरे लिए खुशी कितनी इंपॉर्टेंट है, तुमने अक्षय को कॉल किया? क्यों किया? नहीं नहीं, तुम ऐसे मुंह बनाती रहोगे कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलेगा नहीं। सब समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। तुम्हारा गुस्सा भी समझ में आ रहा है, पर गुस्सा क्यों है, ये सब क्यों बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? ये जो तुम बोल रहे हो ना, मैं भी बोल सकती हूँ। इतना जो गुस्सा दिखा रहा हूँ मैं भी दिखा सकती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ना तुम्हें भी पता था कि खुशी किडनैप हुई है, तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? देखो, तुम्हारा जो ये सवाल के ऊपर वापस सवाल पूछना है ना, ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सवाल मैंने पूछा है ना, जवाब दो मेरे को। खुशी मेरे सामने किडनैप हुई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे वो लोग लेकर जा रहे थे। मैं क्या करती? खुद मैं होश में नहीं थी, मैं क्या करती मुझे नहीं समझ में आया। तब जब मुझे जो सही लगा मैंने वही की। सबसे पहले तो मैं भागी, अपनी गाड़ी में बैठी, गाड़ी लेकर सीधा उनके पीछे गई, क्योंकि मुझे पता लगाना था वो कहाँ है। मैं बचा सकती थी खुशी को, पर उन्हें नहीं ट्रेस कर पाई। तो फिर उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गई, पुलिस की मदद लेनी तो चाहिए ना, इसीलिए गई। उसके बाद मुझे एक लीड मिली कि बलबीरा शायद खुशी को लेकर एक जगह जा सकता है, तो मैंने उसे ये बलबीरा खुशी को लेकर गए? हाँ, हमें लगता है कि उसी ने खुशी को किडनैप किया। कल रात भी उसने कोशिश की थी, तो डेफिनेटली वही होगा। लेकिन एक सेकंड, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तुम्हारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो तुम कैसे निकल गए हो खुशी की तलाश में? मुझे कॉल आया था खुशी का सुबह। खुशी का कॉल आया था? कैसे, कहाँ, कब? मैं सुबह मिला था उससे। मुझे वो मिली और उसने मुझे बताया कि उसका फोन टूट गया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसका फोन टूटा कैसे। तो मैंने उसको अपना स्पेयर फोन दे दिया। लेकिन अब तुम्हारी बात सुन के मुझे समझ में आ रहा है कि शाम को क्या हुआ होगा और उसका फोन कैसे टूटा होगा। अगर मुझे एक बार पता होता ना उसका फोन कैसे टूटा है, तो मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ पंगा होने वाला है। एनीवे, तो मैंने उसको जब अपना फोन दिया ना, तो अपने फोन में मैंने अपना नंबर सेव करके उसको दिया ताकि वो मुझे कभी भी कॉल कर सके। और उसका कॉल आया, उसने मुझे बोला कि वो कहाँ फंसी हुई है, उसने मुझे लोकेशन भी बताई, मैंने उसको ट्रेस भी कर लिया, मैं वहां पहुंच भी गया था। लेकिन वहां लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया। किडनैपर्स ने 5 मिनट पहले अपनी लोकेशन चेंज कर ली। एक बात पूछूं आप लोगों से, बुरा तो नहीं मानेंगे? आप दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, मतलब क्या रिश्ता है आप दोनों का? God, राजा
पाची कहाँ फंस गई थी? जहाँ भी फंसी थी एटलीस्ट अब नहीं फंसी हो। इनफैक्ट पाची उस आदमी से बहुत दूर जो उसे धमकियां दे रहा था। अब इससे पहले कि वो आदमी पाची तक पहुंचे हमें पाची तक पहुंचकर उसे बचाना होगा। You're right. लेकिन wait a second. हम प्राची को ढूंढेंगे कैसे? I mean, I have no idea कि प्राची कहाँ है। Yeah, I know. लेकिन एक सेकंड, तुम्हें पता है ना कि रणबीर कहाँ जा रहा है? मतलब तुम्हें पता होगा कि रणबीर कहाँ जा रहा है? वो जगह का नाम क्या है? अरे लेकिन उससे क्या होगा अक्षय, हम प्राची को ढूंढ रहे हैं राइट? रिया, जहाँ तक मैं प्राची को जानता हूँ उसने अभी तक पता लगा लिया होगा कि गुंडों ने खुशी को कहाँ छुपा के रखा है। इनफैक्ट प्राची भी वहीं जा रही होगी। ओके। और इससे पहले वो इंसान प्राची तक पहुंचे हमें हर हाल में प्राची तक पहुंचकर उसे बचाना होगा। रिया तुम सोच क्या रही हो, मैं इस तरह प्राची को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। रिया तुम जानती नहीं हो वो इंसान वीरा कितना खतरनाक है। और इससे पहले वीरा प्राची तक पहुंचे हमें प्राची तक पहुंचना ही होगा। तुम मुझे उस जगह का नाम बताओ। तुम उसका नाम जानते हो? हाँ, इनफैक्ट ये भी बताया था कि वो किन हालात में उससे मिली थी और उस इंसान ने मुझे इंस्पेक्टर कहा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो प्राची से अपसेट है और वो डरा हुआ है कि कहीं प्राची उसको एक्सपोज ना कर दे। प्रिया, तुम नहीं जानती कि प्राची कितनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई, और इससे पहले और बड़ी मुसीबत हो जाए हमें वहां पहुंचना होगा। तो मुझे जगह का नाम बताओ जल्दी। हवेली। What? हाँ, खुशी को वो हवेली में लेकर गए जो रेलवे ट्रैक्स के पास है। लेट्स गो। ओके। और वो यही थी, मतलब उसे यहाँ लाया गया था? नहीं, यहाँ तो कोई भी बच्ची नहीं है। ऐसे कैसे? प्राची, मुझे लगता है कि शायद किसी और हवेली में तो नहीं है। मेरे बेटे को देखा आपने? चिंटू को? आपका बेटा था जो बाहर था वो? साहब वो तो मेरा ही बेटा है। आपने उसके साथ, साहब उसे बुलाइए ना, उसे छोड़ दो, वही तो मेरा एक सहारा है, उसे माफ कर दो। मैं तो हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। वो मुझे दवाई देगा, मुझे खाना भी खिलाएगा, वही तो मेरा एक सहारा है, उसे छोड़ दो। देखिए, मैं आपसे माफी चाहूंगा, मेरे को गलत फहमी हो गई, मुझे लगा कि वो ना वो किडनैपर है, तो मैंने उसको बांध दिया और बांध के मैंने गाड़ी की डिक्की में रख दिया उसको। लेकिन ठीक है, वो उसकी हालत बिल्कुल ठीक है, हाथ पांव एकदम तंदुरुस्त है उसके, मैं उसको ले आता हूँ। वही तो मेरा इकलौता सहारा है, साहब उसे छोड़ दो ना। माता जी, मैंने उसको पकड़ा नहीं हुआ है, मैं उसको अभी ले आऊंगा, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, आपको दवाई भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, मैं अभी लेके आता हूँ उसको। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छी कौन लगती है तुम लोगों की? वो बेटी है हमारी। क्या तुम उसकी सगी माँ? ये पुलिस को किसने बुलाया? केस चिपकली का ही काम होगा। चुप 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 टाइगर चुप, शक्ति चुप। कुछ भी नहीं आता, और ये कार भी वो नहीं है जिसे बच्ची को किडनैप करके ले गए थे। गाड़ी तो बदली थी ना उन्होंने? जी सर, बदली तो थी। तो वो कार गई कहाँ जिस पर रोड पे बच्ची को शिफ्ट किया गया है?